सूखे बुंदेलखंड में एक बार फिर आपदा के आसार नजर आने लगे। इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण किसानों की पैदावार में गिरावट देखने को मिली। हताश किसान शासन और प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठा था। आज करबई ब्लॉक के 2 सैकड़ों से अधिक किसानों ने तहसील दिवस में पहुंचकर सूखी फसलों का प्रदर्शन किया और उचित मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई। यही नहीं, पिछले वर्ष का भी पूरा मुआवजा न मिलने की शिकायत मंडलायुक्त और DM से की, जिस DM अजय कुमार ने जांच के आदेश दिए। सुनते हैं कि क्या कहना है किसानों का और क्या कहना है DM अजय कुमार का। जब शिकायत ले आए कि हमारे वर्दा बब बोग आई थी सुनना फरिया और कीड़ा लग गया, सो कमीशन खंदाई DM खंदाई सब खंदाई सुनाई नहीं उनको, जाओ जाओ जो चीज है उनको जाओ जाओ है। अब है सो अब सुनाई नहीं, वो जब के पैसा आए थे पार के सो बेने मिले सब, सो अब का बताओ का खाओ जाए का करो जाए, सो अब करेंगे अब करेंगे जो कुछ हुए सो फिर शिकायत करेंगे का करेंगे का रोड जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे अब तो। हाँ रोड करेंगे, हम क्या आए थे कमिश्नर कह के हम रोड जाम करेंगे और न करेंगे कुछ। अब संतोष मिल जाएगी तो संतोष है, नहीं तो कई अनसोट तो है ही है बस। हम लोग किसान हैं साहब, कम से कम 250 आदमी आए। हमारी समस्या ये है कि उर्दा की फसल पूरे मौजे में बिकी हुई थी, उसमें 10-12 दिन पानी न बरसने की वजह से माहू नाम का कीड़ा लग गया उसमें, तो उसने फूल को बात कर दिया। उस दिन फूल उस समय फूल पे थी फसल, फूल बात हो गया तो कौंस नहीं आई। अब हरा पेड़ खड़ा है उसमें 2-4 कौंस इससे ज्यादा नहीं लगी हुई है, हमारा सब सत्यानाश हो गया। आपने किसको शिकायत की? हमने यहाँ DM से की, कमिश्नर से की, SDM सभी लोग बैठे हैं वहाँ पे। क्या आश्वासन मिला? उनको ये आश्वासन मिला है कि हम आपकी जांच कराएंगे 2 दिन में कृषि विभाग के अधिकारियों को भेजकर, और जो आपका जो मुआवजा है उसकी लेखा पढ़ी करेंगे, शासन से पैसा आ जाएगा तत्काल बंटवा देंगे। अब साहब संतुष्ट क्या, अगर हो गया जो उन्होंने कहा है वो हो गया तो संतुष्ट है, और अगर मात्र आश्वासन भर में बदल गया तो असंतुष्ट है। और रणनीति ये है कि अभी पिछले साल जो अतिवृष्टि का सर्वे हुआ था, एक बात होना, जो अतिवृष्टि का सर्वे हुआ था उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई है, और सब पूरे गांव की हो गई। 45 आदमी हमारे गांव में ऐसे हैं जिन्होंने 2014 में ओलावृष्टि का पैसा 45 आदमियों को दोबारा नहीं मिला, एक एक किस्त मिली 18,000 की, दूसरी किस्त आज तक नहीं मिली है, ये पोजीशन है। हमने अभी आज कमिश्नर साहब से बात की, वो की हाँ, तो किसी ने आ जाएगा ये बहाना बनाते रहे कि अभी पैसा नहीं है, आ जाएगा। और जब सरकार बदली तो 1200 करोड़ रुपया किसानों के मध्य का वापस खजाने भिजवाया गया, लेकिन किसानों को नहीं बांटा गया। तहसील दिवस में सरहद का गुंडा प्लस गुंडा राज चल रहा, अधिकारी मिलिंग दे रही शासन। आपकी क्या समस्या है? सर सूखा घोषित हो गया हम लोगों के यहाँ, 2016 का भी नहीं बजट दिया जा रहा ना कुछ, अभी इस साल भी जो चेक है कहीं सब कहीं बढ़ गई, हमारे यहाँ कोई चेक नहीं दी जा रही। अन्नू गुंडा है वो दे नहीं रहा, आता तो पैसे की डिमांड कर रहा, लोगों को पैसे दे रहा, कह रहा चेक नहीं, बजट खत्म हो गया। अधिकारियों से यहाँ मिलने आए तो प्लस गुंडा राज है, वो मिलने नहीं दे रहे, किसी से किसी को जाने नहीं दे रहे, अंदर एंट्री नहीं होने दे रहे, प्लस गुंडा राज चल रहा है। आज मैं हूँ भाई, आए गाई के लिए आए थे जी, धर्मूल पे। क्या हो गया? क्या जी सरुड़ेंगे बिल्कुल कुछ नहीं, सूखा में आ गए, बीज लोन ही करने कुछ नहीं होने, पैसा भी नहीं डालू, पैसा मिल रहा होगा, पहले को पैसा नहीं मिलो आप। क्या हो गया फसल? बिल्कुल फसल में नहीं है, नहीं है। कहाँ लेके आए थे आप? भाई आए किसको दिखाने आए थे? साहब से मिलने दिया गया, साहब से मिलने नहीं है। किस साहब से मिलने आए थे आप? कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब से नहीं मिलने दिया? किसने नहीं मिलने दिया? अधिकारी, पुलिस अधिकारी। किस अधिकारी ने मिलने दिया? कौन नाम जानते किसान आदमी के? नहीं, किसानों का कोई ऐसा मसला नहीं है, कुछ किसान आए हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि बारिश नहीं हो रही है तो बारिश ना होने से फसलें प्रभावित हो रही हैं। ये लोग कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ उड़द अपने खेत से भी हाथ में लेके आए हैं, उड़द की फसल को ये दिखा रहे हैं कि इसमें माहों की बीमारी लग गई है। वो संज्ञान में है हम लोगों के कि माहों की बीमारी उड़द में लगी हुई है, और आगे इनको ये आशंका है कि जिस तरह से पानी नहीं बरस रहा है तो रबी की फसल भी प्रभावित होगी, तो उसके लिए ये इनका यही उद्देश्य है कि यदि स्थिति पैदा होगी तो
वो उस स्थिति से कैसे निपटें, क्या करें। जैसा आपने कुछ सुना कि लोग कह रहे हैं अगर पानी नहीं बरसेगा तो हम लोग चना 7% बोएंगे 15% के बजाय, तो इनकी समस्या के बारे में वास्तविक जनपद की क्या स्थिति है। पूरे ज़िले के सर्वे के लिए हमने 11 टीमें बना दी हैं अधिकारियों की, जो आज और कल 2 दिन में पूरे ज़िले में घूम करके गांव-गांव में किसानों से बात करके और खेत पर भी जा करके देख करके वास्तविक सर्वे करके एक ही आकलन करेंगी कि पानी न बरसने से वास्तव में कितना नुकसान हो रहा है और आगे रवि की फसल पर इसका क्या असर आएगा, इसका भी आकलन करके उस हिसाब से हम एक कार्ययोजना सूखे से निपटने की एक जनपद स्तर की कार्ययोजना बनाएंगे और उस कार्ययोजना को माननीय मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से शासन को भेजेंगे। नहीं, ऐसा है कि सूखा राहत का जो ओला का जो पैसा है वो धनराशि कुछ जो आई थी वो वितरित हो गई है और कुछ धनराशि अभी अवशेष है जो आना बाकी है, वो जैसे ही आएगा वो इनके खातों में पैसा जाएगा। उसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, न किसी माध्यम की जरूरत है। SPN 9 न्यूज के लिए महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट।